भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान अपने 3,20,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में समेटे बैठा है सैकड़ों गांवों और कस्बों को। यहां खूबसूरती भी है और दिन रात की चुनौतियां भी। रोज नई समस्याओं से दो दो हाथ करते हैं यहां के लोग, पर हिम्मत के साथ और मुस्कुराकर। ये है राजस्थान की सुबह। यहां एक तरफ है शांति और खूबसूरती, तो दूसरी तरफ है वही शोर शराबा और चिल्लपों जो देश के हर शहर की पहचान बन चुके हैं। इन सब से राजस्थान भी अछूता नहीं है। पर इन सब के अलावा कुछ और भी समेटे बैठा है अपने अंदर ये बेमिसाल प्रदेश। वो है थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। लाख 20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला थार और इस थार में ही बसे हैं कितने ही छोटे बड़े शहर, कस्बे और गांव। थार मरुस्थल को करीब से जानने के लिए जरूरी है इन कस्बों और गांवों की तरफ जाना। मीलों मीलों तक फैले रेत के टीलों के बीच जिंदगी कैसे गुजारी जाती है वो यहीं आकर पता चलता है। इन्हीं गांवों में है वो चुनौतियां जिनसे शहर के लोग कभी वाकिफ नहीं हो पाते। सौ से ज्यादा साल हो गए हैं बीकानेर को बसे हुए। उससे पहले ये नगर थार मरुस्थल का ही हिस्सा था। पहली नजर में बीकानेर किसी और शहर जैसा ही दिखेगा। हाँ, जूनागढ़ का ये महल जरूर आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है।
शायद थार रेगिस्तान की प्रचंडता को इनमें रहने वाले लोग झेल नहीं पाए और चले गए इन हवेलियों को छोड़कर बड़े शहरों की तरफ। शेखावटी का ये इलाका सदियों से अपनी अनूठी चित्रकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। इन हवेलियों में आज भी जिंदा है न मालूम कितने गुमनाम चित्रकारों की ये कलाकृतियां। बेरंग रेत में रंगों की ये महफिल कुछ और ही दास्तां बयां करती है। कैसा रहा होगा बीकानेर 500 साल पहले, ये जानना मुश्किल नहीं है। इस शहर के 100 किलोमीटर के दायरे में ऐसे कितने ही गांव हैं जो थार रेगिस्तान के आगोश में जिंदा हैं। ऐसा ही एक गांव है कतरिया सर। तीन सौ परिवारों का कतरिया सर। यहां आने पर ऐसा ही लगेगा मानो आप 500 साल पुराने राजस्थान में पहुंच गए हैं। दूर दूर तक फैले रेत के टीले। और हर वक्त की चुनौतियों से दो दो हाथ करते यहाँ के लोग। अब एक वो सवाल जिसका सही जवाब हम में से शायद किसी के पास नहीं है, क्या थार रेगिस्तान फैल रहा है? ऐसा माना जाता है कि 1950 के बाद थार ने अपनी जड़ें पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक फैला दी हैं। अगर ये सही है तो एक बात तो तय है, कभी ना कभी कई और बड़े शहरों को मरुस्थल की रेत अपने कब्जे में ले लेगी। इस प्रक्रिया में ग्लोबल वार्मिंग रेगिस्तान की सबसे बड़ी सहायक साबित होगी। इस जटिल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने रुख किया ICAR की ही संस्था सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन इंस्टीट्यूट यानी कारसी की ओर। भारत के तमाम शुष्क इलाकों में कितने ही नए प्रयोग कर रहा है कारसी। थार रेगिस्तान के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए, इसके लिए कारसी के वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है। मसलन इन रेत के टीलों के आसपास वनस्पति उगाना, और इसके लिए गांव वालों को भी प्रोत्साहित करना। थार रेगिस्तान वाकई फैल रहा है या नहीं, बीकानेर में कारसी की शाखा के प्रमुख
डॉक्टर एनडी यादव कुछ इस तरह से इस मुद्दे पर रोशनी डालते हैं। आज का आदमी, बूढ़ा आदमी जो 100 साल का है, गर्मी में बेचैन हो जाता है, कहता आंधी नहीं आ रही है, बड़ा उमस हो गई है। पहले उमस नहीं होती थी, वो अपने हिसाब से एक्सपेक्ट करता है। जो जियोलॉजिस्ट हैं वो अपने हिसाब से कहते हैं कि ये चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, इसका मतलब कि थार इज़ कमिंग हियर, हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है या दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होने के नाते और जो फॉरेस्टर हैं या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते नहीं, ये बढ़ नहीं रहा है, ये रुक चुका है। लेकिन रुकने के बाद भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस, जब क्लाइमेट चेंज होती है, मान लीजिए इस साल बारिश नहीं हुई, तो हो सकता है कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, वेजिटेशन सूख जाती है, सरफेस वेजिटेशन होती नहीं है, हवाएं चलती हैं, तो यहाँ की डस्ट हो सकता है 20-50 किलोमीटर तक आगे चली जाए, लेकिन अगली साल अगर बारिश अच्छी है तो वहाँ नहीं जाएगी। अगर इरिगेशन बंद हो गई एनी हाउ, सपोज कैनाल बंद हो गई, तो शायद इससे भयावह डिजर्ट हो सकता है, क्योंकि उस मिट्टी को रोकने के लिए फसलों और एनिमल्स के अलावा और कोई चीज़ बचा नहीं है। हम लोग इसीलिए उनको प्रेशर डालते हैं कि आप अपने क्षेत्रों में बाग लगाइए, पेरेनियल्स लगाइए, जिससे अगर बारिश ना हो तो वो पेरेनियल्स जो हैं मिट्टी को रोके रहे और इसमें कोई एक्सपेंशन ना हो। अगर ग्लोबल वार्मिंग का ये सिलसिला जारी रहा तो फिर एक दिन रेगिस्तान की रेत हर चीज को अपने आगोश में ले लेगी। इसका एक छोटा सा नमूना दिख रहा है इस सड़क पर। देखिए कैसे अपना अधिकार जमा रही है ये रेत। अगर इसकी चले तो ये सड़क के अस्तित्व को ही मिटा दे, पर ऐसा होगा नहीं। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए थार इलाके के किसान सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर यादव बताते हैं, हम लोग जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो हम किसानों के साथ भी करते हैं। जब हमारी टेक्निक निकल जाती है तो हम किसानों को सबसे पहले, हमारे गांव लिए गए हैं, 13 गांव हमने लिया है एमजीएमजी प्रोग्राम में अभी, और दो और एक गांव हम पहले हमेशा रखते थे। दूसरा, ट्रेनिंग देते हैं हम यहाँ, हमारे यहाँ अभी 4 ट्रेनिंग हो चुकी है, 6 ट्रेनिंग अभी और होनी है। और हम फार्मर्स को, सिलेक्टेड फार्मर्स को बुलाते हैं गांव से, 25 और 30 किसानों को, और 2 दिन की उनको पर्टिकुलर टॉपिक पर ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप की तरह नहीं, ट्रेनिंग पढ़ाते हैं। अच्छा। पूरा हमारे साइंटिस्ट आते हैं, इनोसी से साइंटिस्ट हम बुलाते हैं, और उन पर हर एक टॉपिक पर उनको 1 घंटे का लेक्चर दे के पढ़ाते हैं। अच्छा। और बाद में उनको इवेल्युएट करते हैं कि तुम्हें कुछ सीखा कि नहीं, और बाद में मॉनिटरिंग भी करते हैं कि उन्होंने अपने खेत में कैसे काम किया। और ये है सिक्के का दूसरा पहलू, वो तस्वीर जो बताती है कि इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। देखिए थार मरुस्थल के किसानों ने कैसे वश में कर लिया है रेत के इन टीलों को। रोक दिया गया है यहाँ रेगिस्तान के बढ़ते कदमों को। ये लहलहाते खेत अपने पास की रेत को मानो ताना मार रहे हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, चुनौती की अगली कड़ी में आपको मिलवाएंगे उनसे जो आज भी थार मरुस्थल से दो दो हाथ कर रहे हैं। पेट भर है और क्या कर, साथ में तो दाना को नहीं, घास को नहीं। कई तरह की आवाजें उठती हैं
इस बेरहम रेगिस्तान से। साथ ही बात करेंगे रेत के जहाज की। सदियों से ऊंट राजस्थान की शान रहा है, पर आज ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इसको खतरा थार रेगिस्तान से नहीं, कहीं और से है। ये सब चुनौती के अगले अंक में।